नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री की तमाम खबरें तो जाती है, लेकिन मुझे लगा कि आप सभी को एक नई जानकारी देनी चाहिए। नई जानकारी भी आपको पता भी हो गया होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। जी हाँ, बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी NDA अलायंस जो है हमारे देश में सरकार बना ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तीसरी बार लगातार भारत का प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी जो हैं वो दूसरे नेता बन चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको जो है शपथ दिलाई और शपथ के साथ भारत के वो तीसरे प्रधानमंत्री 3.0 मोदी जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो मोदी कैबिनेट में तमाम दिग्गजों जो हैं उन्होंने शपथ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति बने जो जाकर वहां पर शपथ लिए। इसके बाद राजनाथ सिंह, इसके बाद अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर और मनोहर लाल खट्टर के अलावा HD कुमार स्वामी और भी तमाम लोग जो हैं वो इस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हुए। बड़ी बात ये भी है कि इस बार बिहार को 8 मंत्री मिले हैं। सोचिए, बिहार जैसे 40 लोकसभा सीट वाले राज्य में जो है 8 मंत्री मिले हैं, जिसमें जीतन राम मांझी का नाम शामिल है। इसके अलावा लल्लन सिंह जो जदयू से आते हैं उनका नाम शामिल है। गिरिराज सिंह जो पिछले सरकार में मंत्री थे, चिराग पासवान को भी इस बार मौका मिला है। रामनाथ ठाकुर जी बने हैं, नित्यानंद राय है, सतीश चंद्र दुबे जी और श्री राजभूषण चौधरी जी, यानी कि 8 लोगों को जो है वो पूरा का पूरा मौका दिया गया है। अब देखना ये होगा कि भाई बैसाखी वाली सरकार जिसपे नीतीश कुमार एक अहम भूमिका में हैं और नीतीश कुमार की सपोर्ट से मोदी सरकार बन पाई है और 8 मंत्री बिहार को मिले हैं, तो बिहार को क्या कुछ होता है इस पर नज़र तो बनी रहेगी। लेकिन एक अपडेट था तो मुझे लगा आप सभी को बता देना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है मोदी 3.0 में क्या कुछ नया होने वाला है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया बताएं। धन्यवाद।